महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगले 15 दिन में दो राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। ये दावा करने के साथ ही सुले ने यह भी कहा कि एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में होगा। बता दें कि सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद ही सियासत तेज हो गई। वो इसलिए क्योंकि सुप्रिया सुले का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लिहाजा इस बयान के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। दरअसल सुप्रिया सुले से जब यह सवाल किया गया कि अजीत दादा कहां हैं, तो इसके जवाब में एनसीपी नेता का कहना था कि आप सभी चैनल वाले एक यूनिट अजीत दादा के पीछे लगा लें, प्रदेश में कई समस्याएं हैं, राज्य में गलत तरीके से काम हो रहा है, एक कार्यक्रम रद्द करने में ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए सुप्रिया सुले का आगे कहना था कि ये बात दादा से पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है, जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजीत दादा को हर कोई चाहेगा, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। गौरतलब है कि उद्धव गुट के नेता के दावे के बाद से ही अटकलें तेज हो गई हैं कि एनसीपी नेता अजित पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं अटकलों के बीच अजित पवार ईवीएम के समर्थन में भी बयान दे चुके हैं। इससे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले के कुछ दिन पहले पुणे में एक रैली थी जिसमें अजित पवार शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें और तेज हो गईं। हालांकि इन अटकलों को सुप्रिया सुले ने सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र में भी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। एक ओर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दल रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं, तो वहीं पवार ने विपक्ष के मुद्दों पर ही अख्तियार रोक अपना लिया है। उन्होंने पिछले दिनों सावरकर, अदाणी और पीएम मोदी की फर्जी डिग्री मामले पर बीजेपी को राहत देने वाला बयान दिया। शरद पवार के बयान को विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे भी अजित पवार का बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर किसी से छिपा नहीं है। वे 2019 विधानसभा चुनाव में एनसीपी की पार्टी लाइन से अलग जाकर फडणवीस के साथ सरकार बना चुके हैं। हालांकि शरद पवार के दबाव के बाद अजित पवार को वापस लौटना पड़ा था, जिसके बाद एक बार फिर अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।